नमस्कार, हमारे प्लेटफॉर्म श्रेष्ठ भारत पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गुलबिश। नए हफ्ते की शुरुआत ताज़ा तरीन खबरों के साथ। देश में चुनावी माहौल गर्म हो गया है। दिल्ली के बजट में हमारे आपके लिए कई ऐलान किए गए, तो सुप्रीम कोर्ट से आया है एक ऐतिहासिक फैसला। ये सभी खबरें आप देखेंगे मेरे साथ, तो आइए शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। रिश्वत लेकर संसद में वोट देने वाले माननीयों पर केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में पीवी नरसिम्हा राव के मामले में दिए अपने पिछले फैसले को पलट दिया है। 7 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि संसदीय विशेषाधिकार के तहत रिश्वतखोरी की छूट नहीं दी जा सकती है। फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान पीठ के सभी जज इस मुद्दे पर एकमत हैं कि पीवी नरसिम्हा राव मामले में दिए फैसले को पलटना जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में रिश्वत से छूट का प्रावधान नहीं है, क्योंकि रिश्वतखोरी आपराधिक कृत्य है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम मानते हैं कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारत के संसदीय लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जो विधायक राज्यसभा चुनाव के लिए रिश्वत ले रहे हैं, उनके खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसे लेकर वोट देने या सवाल पूछने से भारत का संसदीय लोकतंत्र तबाह हो जाएगा। सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में, तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। वोट के बदले नोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर PM मोदी ने खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में फैसले का स्वागत किया और लिखा, स्वागतम माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा फैसला जो बेदाग राजनीति और व्यवस्था में लोगों के विश्वास को पुख्ता करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में केजरीवाल को ED ने 8वां समन भेज दिया है, यानी वे 8वें समन पर भी पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने ED के समन का जवाब देते हुए कहा कि वे 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एजेंसी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। हालांकि ED वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CM केजरीवाल से पूछताछ के लिए तैयार नहीं है। ED से जुड़े सूत्रों का कहना है कि एजेंसी दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से आमने सामने पूछताछ करना चाहती है। वैसे भी ED के नियम कानून में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई प्रावधान है ही नहीं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ED के समन को अभी तक अवैध बताते हुए, लेकिन 8वें समन मिलने पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी में हामी भर दी है। दिल्ली की आबकारी नीति का केस अदालत में है। केजरीवाल ने कहा था कि समन जारी करने से पहले इस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इस मामले में कोर्ट में 16 मार्च को सुनवाई होनी है। ED इससे पहले केजरीवाल का पक्ष जानना चाहती है। केजरीवाल के पेश ना होने पर सियासत भी गर्म है। BJP और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। देखिए, मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद चुके हैं और मुझे तरस आ रहा है उनके कानूनी सलाहकारों पे, जिन्होंने उनको अपने लिए ही गड्ढा खोदने में मदद किया है। मैंने मुख्यमंत्री पद पे बैठे किसी व्यक्ति को जांच एजेंसी के सवालों से ऐसा थरथर थरथर कांपते नहीं देखा है। 8वां सम्मन है, आप बार बार डेट आगे मांगते हैं, पहला सम्मन नहीं है, पहला के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, और 8वें सम्मन के बाद भी आपको सवालों का जवाब देने में डर लगता है। आप उसकी लीगालिटी पे सवाल उठा रहे हैं, जबकि ट्रायल कोर्ट कह रहा है कि नहीं, आपको जवाब देना है, इट्स ऑल लीगल, कोर्ट कह रही है। ऐसे लीगल आधार के बाद भी आपसे और सवालों से भागना चाहते हैं। 12 मार्च को क्या वो लीगल हो जाएगा? और अब तक लीगल नहीं हुआ। इसका मतलब है
कि अरविंद केजरीवाल जी ये मान चुके हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने शराब कांड में बड़ा घोटाला किया है, और ऐसी परिस्थिति में उनके साथ अब उनके बचने का कोई, उनके पास बेगुनाही का जवाब है ही नहीं। मेरा मानना है कि कानून को थोड़ा कड़ाई से अपना कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो मैसेज दे रहे हैं वो मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये मैसेज देता है कि हमें कानून का पालन नहीं करना है, तो ये बहुत ही चिंता की बात है। देखिए, वैसे तो ईडी के सम्मन पूरी तरीके से गैरकानूनी है, कोर्ट में मामला चल रहा है, मगर मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, इनके प्रवक्ता बार बार कह रहे थे मुख्यमंत्री सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। हम कह रहे थे कि मामला सवालों का नहीं है, मामला ये है कि ईडी मुख्यमंत्री को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करना चाहती है। तो मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा बीच का रास्ता सुझाया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जो सवाल ईडी के हैं सवाल पूछ लें, मुख्यमंत्री जी उसका जवाब दे देंगे। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे तो आजकल जो है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वकीलों की बहस हो जाती है, तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता ईडी को कोई परेशानी होनी चाहिए। हाँ, अगर इनके मन में कोई षड्यंत्र है, कोई दुर्भावना है कि इनको गिरफ्तार ही करना था, तो ज़रूर ईडी किसके लिए बहाने बनाएगी कि नहीं साहब आप आ ही जाइए, फिर ये बात दुनिया के लिए देश के लिए साफ हो जाएगी। मन में गिरफ्तारी है, सवाल जवाब सिर्फ बहाना है। दिल्ली सरकार ने अपना 10वां बजट पेश कर दिया है, जिसमें महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली की हर बालिग महिला को हर महीने 1,000 रुपये देगी। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को हर माह 1,000 रुपये दिए जाएंगे। वित्त मंत्री आतिशी ने 76,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। शिक्षा के लिए 16,000 करोड़ रुपये का प्रावधान दिया है। दिल्ली सरकार अगले साल से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत हर महीने 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये मिलेंगे। बुजुर्ग तीर्थ यात्रा के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। बजट में बताया गया है कि 2014-15 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2.47 लाख रुपए थी। 2023-24 में बढ़कर ये 4.62 लाख हो गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 2.5 गुना ज्यादा है। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने बजट भाषण में राम राज्य की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग भगवान राम के जीवन से प्रेरित हैं। राम राज्य के इस सपने को पूरा करने के लिए हम पिछले 9 वर्षों से दिन रात प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के बजट भाषण में केंद्र सरकार पर दिल्ली को उसका हिस्सा नहीं देने का आरोप फिर से लगाया गया। 2024-25 में एक नई क्रांतिकारी योजना लेकर आ रही है। ये शायद 2024-25 के बजट का सबसे बड़ा कदम है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा की हर महिला को 1,000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। कलकत्ता हाईकोर्ट से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के तेज तर्रार जज और शिक्षक भर्ती घोटाला समेत कई अहम मामलों में फैसला देने वाले न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के इस्तीफे की खबर के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि वे राजनीति में शामिल हो सकते हैं। उनसे एक बयान से साफ है कि वे राजनीति में शामिल होने जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि मैं कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। पिछले 2 या अधिक वर्षों से मैं मामलों में निपट रहा हूं, विशेष रूप से शिक्षा के मामले, जहां एक बड़ा भ्रष्टाचार पाया गया। इस सरकार के शिक्षा क्षेत्र में बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण व्यक्ति जेल में बंद हैं। जितना मैंने देखा और महसूस किया, हमारे देश में और हमारे राज्य पश्चिमी बंगाल में भी बड़ी संख्या में बहुत असहाय लोग हैं। इसलिए मैंने सोचा कि केवल राजनीतिक क्षेत्र ही उन लोगों को उनके कार्य करने का मौका दे सकता है। जस्टिस गंगोपाध्याय इसी साल अगस्त में रिटायर होने वाले थे। उनके चौंकाने वाले फैसले पर कई तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई हैं। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को घेर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा है कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जैसे लोगों का राजनीति में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले मिशन दक्षिण भारत और तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण भारत के तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना और तमिलनाडु में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के आदिलाबाद पहुंचकर 56,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। ये योजनाएं बिजली, रेल, सड़कों के विकास से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के आदिलाबाद में रैली की, जहां कांग्रेस पर जमकर हमला बोला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब की बार 400 पार के लक्ष्य में दक्षिण भारत अपना योगदान जरूर देगा। राम मंदिर में सोने के दरवाजे हो या फिर मंदिर के स्तंभ, उनके निर्माण में तेलंगाना की भूमिका रही है और इसके लिए पूरा देश तेलंगाना के लोगों का आभार व्यक्त करता है। रामलला का आशीर्वाद पूरे तेलंगाना के लोगों पर है। हम विकसित भारत, विकसित तेलंगाना का लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि 2047-25 साल हमारे पास है, इतनी मेहनत करनी है देश को दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में ला करके खड़ा रखना। द श्रेष्ठ भारत शो में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।